हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं आज आपके लिए फिर एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, जो कुछ भी चल रहा है, वो इसमें हम देखेंगे कि आप इस रिलेशन में क्या चाह रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या चाह रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो हम इसमें देखेंगे। कीप इन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं आपके कार्ड निकालूंगी, पाँच पाँच कार्ड आपके मैं पार्टनर के निकालूंगी, फिर हम बाद में रोमांस एंजल से देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में रोमांस एंजल्स क्या बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स, मुझे क्लियर मैसेज दीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे क्लियर मैसेज दीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी क्या एनर्जी है। एक्यूरेट आंसर दीजिएगा प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे पूरा आंसर दीजिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे क्लियर मैसेज दीजिए। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं ले सकती हूँ, दो कार्ड और दीजिए। मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक जो हमें एनर्जी पिक हुई है वो ही है हमें नाइन ऑफ पेंटिकल। आप जो हैं, आपकी काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है, आप जो हैं एक अच्छा, आप अच्छे घराने से हो सकती हैं, आप अपने आप जो हैं बहुत ज़्यादा वेल्थी घराने से हो सकती हैं, आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आपके पार्टनर आपको ऐसा देखते हैं कि आप जो हैं उनके लिए अबंडेंस हैं। आपके पार्टनर ये भी देखते हैं कि आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में अच्छे से अपने आप पर फोकस कर सकती हैं। आपका ओढ़ने का, आपके बात करने का स्टाइल, आपके चलने फिरने का स्टाइल, जिस तरह से आप दिखती हैं वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पार्टनर ये भी देखते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपना अच्छा कमाती हैं, अच्छा खाती हैं और अच्छे घराने से आप रहती हैं। अगर आपको अकेला भी छोड़ दिया जाए तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार लेंगी, वो ये देखते हैं आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, आपका बर्थडे हो सकता है या उनका बर्थडे हो सकता है, आप सिक्स डेट को मिले हों या कुछ, सिक्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। चैरियट, और आया है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो क्लियर एनर्जी मुझे नज़र आई है कि आपने अपने पार्टनर से वॉक अवे कर लिया है, आप अपने पार्टनर को छोड़ चुकी हैं, या आपने एक टेम्परेरी ब्रेकअप कर लिया है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, यहाँ पे एट ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आपने टेम्परेरी ब्रेकअप ले लिया, ब्रेक लिया है अपने पार्टनर से। आप जो है, आपके पार्टनर हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप जो इनसे चाहती थी, जो आप डिज़र्व करती थी, वो चीज़ वो शख्स नहीं दे पा रहा था आपको, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक। आपने, आप उस चीज़ से गुजरी, पेन, दर्द, तकलीफ, आप इतना परेशान हो गई कि आपको रात रात भर आप जागी, उनके बारे में सोचती थी या सोचते थे, रोती थी या रोते थे आप, बहुत ज़्यादा ही आप पेनफुल आपने सिचुएशन देखी।
आप जो है इतनी परेशान हो गई थी इनके लिए कि आप बीमार भी हो गए थे, मुझे भी नज़र आ रहा है। रोते थे, रात भर जागते थे, दुआएं करते थे कि ये शख्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, किसी तरह से ये आपको अप्रोच कर ले, किसी तरह से आपसे मिलने आ जाए। तो आपने इनसे परमानेंट वॉकअवे तो कर लिया था, लेकिन आपने अपने आप पे फोकस किया था, आपने अपने आप से सेल्फ लव करना सीखा था। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गई थी, जिससे हर शख्स, हर बंदा जो है अट्रैक्ट होता है। कि आपके पास पैसा था, आ गया, आपने अपने करियर पे फोकस किया, आपने अपने आप पे फोकस किया, अपने आप को अच्छे से, मुझे तो यहाँ ये एनर्जी पिक हुई है कि आप लोगों ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वर्कआउट करना शुरू कर दिया। आप लोगों से मिलने लगे, यानी कि किसी तरह से पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते थे, मुझे यहाँ ये फील हो रही है। लेकिन अब का जो मसला ये है कि अब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिवन टेक किया जाए, आप एक्शन लेना चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे एटलीस्ट मिल के इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जितना आपने इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, कम से कम आपको ये शख्स उतना तो वापस करे। और पहले आपने इनसे आप मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे गिड़गिड़ाए हैं कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे बताओ एटलीस्ट मुझसे हुआ हो क्या, कौन सी गलती गई है जो तुमने मेरे साथ इस तरह से किया है। आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप इस सारी सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएँ, हैप्पीनेस आएँ, आप चाहते हैं कि आपको भी वो रिस्पेक्ट दी जाए जो आम और लोगों को दी जाती है और रिलेशनशिप्स में होती हैं, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रहा है कि आप रात रात भर रोई हैं, रात रात भर जागी हैं, रात रात भर दुआएं मांगी हैं, और इतना खाना पीना सब फैमिली से भी आपने सही से बातचीत करना बंद कर दी थी, यानी कि आपने अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लिया था। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है नाइन ऑफ सोर्ड्स से। अब चाहती है कि आपके पार्टनर एक्शन लें, एटलीस्ट एक्शन लें, आपसे कम से कम सॉरी तो करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और आप रीज़न जानना चाहती हैं। लेकिन आप चाहती हैं कि ये सब सही हो जाए, आप उनको अपनी लाइफ में रखना चाहती हैं, एटलीस्ट अंदर डीप डाउन आपकी यही है। आप ऊपर से तो ये दिखाती, नहीं भाई मैं तुम्हारे बगैर बहुत खुश हूँ, मैं सेल्फ लव करती हूँ, मैं अपने आप पर फोकस करती हूँ, मुझे तुम्हारी ऑफ़र की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम मुझे एक छोटी स्मॉल ऑफ़र दे रहे हो, वो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम मुझे आके आप शो ये करती हो, और डीप डाउन ये है कि वो बंदा आपके पास आए, आके आपके आपसे माफ़ी मांगे, आपसे मसले सारे सॉर्ट आउट करें और बताए कि क्यों वो आपसे मूव ऑन हो गया था, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया जो आप मूव ऑन होने पे मजबूर हो गई या हो गई। तो चलिए आप देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लियर मैसेज दीजिए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी सेम है, या आप लोग एक दूसरे को सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। कार्ड हमें मिल चुके हैं, आपके पार्टनर की भी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी निकल के आई है, एट ऑफ कप्स, जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर ने भी मूव ऑन कर लिया, वो भी आपसे दूर जाके खुश नहीं हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर चुकी हैं, और वो इस रिलेशनशिप में अगर कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। उन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया और आपने उनसे वॉक अवे कर लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उस लेवल तक इस रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे थे जितने ये डिज़र्व करता था रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं, थ्री ऑफ कप ये आपके पार्टनर के कार्ड निकल के आए हैं, हर्मिट, टेम्परेंस, लवर। आपके पार्टनर के लिए 7 कार्ड मिले मुझे। जी 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 ओ होल्ड ऑन। तो आपके पार्टनर का जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर आपसे अलहदा होके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप जो चाहती हैं कि इस सिचुएशन में आपको जितना दर्द दिया है उन्होंने, जितना पेन दिया है, जितना आपको रुलाया है, जितनी आपको तकलीफ़ हुई है उनके इस रिएक्शन से, उतनी ही वो फील कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया से अपने आप को डिटैच कर लिया है, वो आइसोलेशन मोड पे चले गए हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं,
आसपास में यहाँ पे फील कर रही हूँ, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ बैरियर बनाए हुए हैं, वो किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। और इस शख्स ने आपको पास्ट में ब्लॉक भी किया है, ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करने वाला है। ये जो भी शख्स है, या आपने इसको ब्लॉक कर दिया है या इसने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पे जिसने जिसको भी ब्लॉक किया है बहुत जल्द अनब्लॉक होने वाले हैं आप लोग। लेकिन ये इंसान अभी बात करने के मूड में नहीं है। हाँ, दिखाता यह है कि इस इंसान को आपकी फ़िक्र नहीं है, ये किसी भी तरह से आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन डीप डाउन ये इंसान आपको बहुत, आपको मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है टेम्परेंस करने के लिए। हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में, यानी कि वो मैरिड हैं। किसी किसी के लिए हो क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है ये। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, और अगर मैरिड हैं तो ये उस जगह पे भी खुश नहीं है जिस जगह पे ये हैं। वहाँ पे कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है इनका, क्योंकि इनका ये कंट्रोलिंग नेचर कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इंसान इतना इगोइस्टिक इंसान है कि ये चाहता है कि सब इसको, इसके पास आए, इसको अप्रोच करें, ये किसी के पास ना जाए। आपके पार्टनर आपके बीच में टावर मोमेंट आ गया, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, आप लोगों के बीच में सारी बातें ख़त्म हो गई, आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये इंसान आपको ऑनलाइन देखता रहता है, ये आपके ऊपर वॉच रखता है, ये आपसे बात नहीं करता, लेकिन जब मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने बेचैन हैं बात करने के लिए कि जब आप ऑनलाइन आते होंगे, इंसान ऑनलाइन तो आ जाता होगा लेकिन आपको अप्रोच नहीं करता होगा। मुझे ये चीज़ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स बता रहा है। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये ऑलरेडी मैरिड इंसान है, हो सकता है किसी अच्छी इनकी जॉब हो सकती है, ये किसी अथॉरिटी फिगर से हो सकते हैं, जैसे जज, गवर्नमेंट सर्वेंट लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, इनकी गवर्नमेंट जॉब मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी अथॉरिटिव इंसान लगते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में जितनी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स मिला है जो कि ये बताता है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन है, यानी कि ये इंसान पार्टीज़ में भी बिजी है, या इसकी लाइफ में कोई भी ऐसा मसला है कि ये मैरिड है, कुछ भी है, लेकिन इसका आप प्यार है, ये शख्स आपसे नो डाउट प्यार करता है, ये चाहता है कि आपको अप्रोच किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। ये चाहता है, ये सोचते हैं कि ये अगर आपको अप्रोच करेगा, जो इसकी लाइफ में सेकेंड जो है ऑप्शन, ये उसको संभाले या आपको रखे, जो इनके पास है वो भी चला जाएगा इनके पास से, ये अगर आपको अप्रोच करेंगे तो। ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन बैलेंस इनसे हो नहीं रहा है। चलिए और इनके लिए कार्ड देखते हैं कि और मिस्टर क्या चाहते हैं। देखें गाइस, मैंने ये पिक किया था और ये कार्ड निकल के आ गया। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा फेक आईडीज़ हैं, ये आपके ऊपर नज़र रखता है। ये इंसान देखें गाइस, सेम चीज़ निकल के आ रही है जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये शख्स भी वही चाहता है, बस डिटैच है ये आपसे। आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी, ये इंसान बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेगा और आपसे बात करेगा, क्योंकि ये इंसान रीयूनियन चाहता है आपके साथ। ये इंसान चाहता है कि आप जितने भी सर्कमस्टेंसेस आपके और इसके बीच में आए हैं, ये इसको सॉर्ट आउट करें, क्लियर करें। मुझे लगता है इनके पास भी नाइन ऑफ सोर्ड्स निकल के आएगा, ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ये हैंग हो गए थे पास में, ये समझ नहीं पा रहे थे कि किसको अप्रोच करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये हैंग हो गए थे, और इन्होंने अपने साथ आपको भी हैंग कर दिया था। ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, ये कुछ दे नहीं पा रहे थे, सीरियस कमिटमेंट आपको जो आप इनसे चाहती थी। गाइस देखें, मैंने कहा कि नाइन ऑफ सोर्ड्स निकल के आएगा और ये निकल के आ गया। ये एनर्जी में पहले ही पिक कर रही थी कि इस इंसान की नींदें भी उड़ी हुई हैं, जिस तरह से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं। मुझे कार्ड में लेते ही पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या नहीं चल रही है। बस आप मुझे नाम बता दें और चीज़ें बता दें, मैं आपको क्लियर बता दूंगी क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन सब चीज़ों का। तो ये इंसान भी आपके बारे में उतनी ही शिद्दत से सोच रहा है जितनी शिद्दत से आप इनके बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। इसकी भी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। ये भी इंसान आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपके बगैर एक पल खुश नहीं है। मुझे लगता है आपने रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसे देख के इस इंसान की नींदें उड़ गई हैं। अभी आपके पास आना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये इंसान किसी भी कीमत पे आपको लेट गो नहीं करने चाहता, क्योंकि ये इंसान आपसे विक्ट्री चाहता है। ये चाहता है आपके इसके बीच में जो भी सिचुएशंस हुई हैं वो ये हल करे और आपको ये जीत ले। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपसे बहुत जल्द अपना प्यार जो है कन्फेस करने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी निकल के आई है हमें, फोर ऑफ वंस, ये देखें गाइस, एम्परर, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं शख्स, लेकिन अपनी फीलिंग्स इस तरह इस बंदे ने हाइड की हुई है आपसे।
अंदर से ये है कि ये आपके लिए, जिस तरह कहते हैं एक बंदा होता है ना एक चीज़ के लिए मरा जाता है कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन हमें दिखाना नहीं है, अपनी फीलिंग्स बतानी नहीं है, जतानी नहीं है, वरना लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सेम ये सिचुएशन आपकी पार्टनर की है, यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक चल रहा है, सेम सिचुएशन, सेम पेज पे हैं आप लोग। ये इंसान की भी नींदें गायब हुई हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं जनाब, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपसे सारी खुशियां आपके दम से देखते हैं। जिस डेक में सन आ जाए उसमें तो कुछ बचता ही नहीं है कहने के लिए, आपकी रीडिंग में तो सन आ गई, इंसान सारी खुशियां सारी हैप्पीनेस आपके दम से ही देखता है। और देखते हैं कार्ड निकाल के फाइनल क्या है इस कार्ड का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, आपको इनके बारे में पता नहीं है, और ये उस सिचुएशन को जगल करने में लगे हुए हैं जो कि इनसे जगल हो नहीं रहा है। ये इंसान बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाला है, मुझे तो लगता है ये एरिस के सीज़न में, एरिस के सीज़न में जो है आपको अप्रोच कर लेंगे। ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको कहा जा रहा है अपना माइंड जो है आप ओपन रखें, आपके पार्टनर जो है डिफरेंट है जैसे होते हैं यूजुअल टाइप के। अभी आप लोग सेपरेशन में हैं और बहुत जल्दी सेपरेशन फेज आप लोगों के बीच से निकलने वाला है, आप लोग का रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि हमें थ्री ऑफ कप्स मिला है जो कि बताता है आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में एक और चांस चाहते हैं आपसे, वो आपको पास्ट लवर देखते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं तो ये पार्टनर आप जन्मों जन्मों का जिसे कहते हैं ना प्यार, वो समझते हैं ये इंसान आप। एक फाइनल कार्ड और, आपसे कहा जा रहा है कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ये बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में अप्रोच करने वाले हैं। तो ये थी आपकी और उनकी रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज मैं किसी को अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में आके नहीं देती हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर ही मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। तो अगर आपको कोई आके कांटेक्ट करे या आपको नंबर सेंड करे कि इस नंबर पे अप्रोच कर लें कि मैंने इस तरह से किसी को हेल्प किया है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिए, ये स्कैमर्स हैं, आप इनसे भी अवेयर रहिए, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं होंगी बाद में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है रीडिंग में, बाय।